यहाँ पर दो फैमिली का एक हाउस प्लान डिज़ाइन। तो दो फैमिली के लिए कैसे हम हाउस प्लान डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसका कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर फ्रंट साइड में डोर 3 फीट बाई 7 फीट, 3 फीट बाई 7 फीट, और यहाँ पर 4 फीट बाई 7 फीट का डोर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? ऐसे क्रिएट करने के बाद देखिए फॉन्ट से आपको इस टाइप का दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसका जो विंडो है हम यहाँ पर विंडो क्रिएट करेंगे, तो ऐसे हाइट, और यहाँ पर जो है 4 फीट 6 इंच डेप्थ रखेंगे। उसके बाद रखने के बाद यहाँ पर हमें जो है ऐसे विंडो यहाँ पर मिल जाएगा, जिस विंडो को हम इधर से एक मार्क करेंगे, देखिए ऐसे इधर ऐसे ऐसे मार्क करके, इसके बाद हम इधर से इधर तक लेकर आएंगे, और इसको भी हम कॉपी करेंगे ऐसे, और इधर ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको भी हम कॉपी करेंगे इधर, और इसको भी हम इधर कॉपी करेंगे, ठीक है? तो कॉपी करने के बाद तो इसको हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर लेकर ले आना है, और इधर भी थोड़ा सा हमें ऐसे लेकर आना है। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मूव भी करेंगे। मूव करने के बाद हमें थोड़ा सा इसको भी देखिए हम इधर थोड़ा सा मूव करेंगे। तो उसके बाद हम इसका जो है विंडो भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको विंडो जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो है दो फैमिली का पार्ट है प्लान, देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो एक एक रूम है, एक एक रूम का यहाँ पर डोर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 फीट बाई 3 फीट, ओके, यहाँ पर भी हम डोर क्रिएट करेंगे 7 फीट बाई 3 फीट। तो यहाँ पर दो फैमिली, दो रूम, दो बेडरूम, उसके साथ किचन टॉयलेट, ठीक है? और मिडिल में एक हम यहाँ पर 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच डाक्ट का हमने इस्तेमाल किया है, शेफ्ट या डाक्ट यहाँ पर जो दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर, उसके बाद यहाँ पर भी एक डोर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा 7 फीट बाई 3 फीट का यहाँ पर डोर हमें इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर प्लान के अंदर दोनों साइड से हमने यहाँ पर देखिए स्टेयर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसका भी साइड वाइज यहाँ पर हम डोर क्रिएट करेंगे 7 फीट बाई 3 फीट, और इधर भी एक डोर क्रिएट करेंगे जो रहेगा 7 फीट बाई 3 फीट। उसके बाद इधर भी एक डोर क्रिएट करेंगे जो रहेगा 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच। उसके बाद इधर से हम ऐसे डोर बाहर की तरफ बंद कर देंगे, यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको ऐसे दिखा देगा, ठीक है? इसके बाद ये जो प्लानिंग है हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो डोर है, इस ये जो रूम है इसका भी डोर चाहिए, इसलिए हमें इधर 7 फीट बाई 3 फीट का डोर इधर भी हमें क्रिएट करना है, ठीक है? तो क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो पार्ट है हमने जो टॉयलेट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो टॉयलेट का पार्ट भी हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, उसके बाद इसका हम हाइट करेंगे 2 फीट 4 इंच, 2 फीट 4 इंच, ठीक है? तो उसके बाद देखिए टॉप से हम ऐसे भी रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद इधर से ऐसे 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 रखना है, ठीक है? ओके, चलिए देखिए इसके अंदर
जो डक्ट है देखिए यहाँ पर दो हमने वेंटिलेटर रखा है डक्ट के अंदर, और यहाँ पर हम कुछ फर्नीचर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ऐड करके आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका जो पार्ट है, यहाँ पर एक वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर दो बेडरूम के साथ, यहाँ पर टॉयलेट वन टॉयलेट, यहाँ पर दो बेडरूम, टोटल फोर बेडरूम, दो स्टेयर, यहाँ पर देखिए जो है इसका किचन, यहाँ पर भी किचन। ठीक है, ऐसे रहेगा प्लानिंग और डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे हम एक विंडो क्रिएट करेंगे जो राउंड शेप का रहेगा। यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक राउंड शेप का विंडो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ऐसे तो ऐसे दिखाई देगा। तो इसके बाद इसका जो डिटेल है क्या क्या है इसका मेज़रमेंट, चलिए आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या क्या है मेज़रमेंट देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो है देखिए 12 फीट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है 12, यहाँ पर 14 फीट। तो चलिए इसका हम डिटेल करते हैं आपके साथ। तो देखिए ऐसा रहेगा प्लानिंग। ठीक है, इस प्रकार जो मेज़रमेंट हम इधर दिखाएंगे तो आपको दिखने में अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए 8 फीट बाई 8 फीट का किचन, यहाँ पर 12 फीट बाई 14 फीट का रूम, यहाँ पर भी 12 बाई 14 का रूम। तो दो फैमिली दो भाई का यहाँ पर बिल्डिंग डिज़ाइन, दो अलग अलग यहाँ पर देखिए हमने स्टेयर का पार्ट प्रोवाइड किया है, स्टेयर डाइनिंग का। तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे हम दिखाएंगे इधर ऐसे। ठीक है, फ्रंट का जो यहाँ पर देखिए रूम यहाँ पर रहेगा 12 फीट, यहाँ पर 12 फीट, और यहाँ पर आएगा 13 फीट, यहाँ पर 13 फीट स्टैंडर्ड साइज़ का रूम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट है इधर भी रहेगा 8 फीट और इधर भी रहेगा 8 फीट। जो टॉयलेट एरिया 6 फीट 8 बाई 4 फीट 6 का दो सेम ही रहेगा। यहाँ पर एक डार्क एरिया 2 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 6 इंच। तो ऐसा रहेगा प्लानिंग। इसका जो कॉलम है यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, कॉलम देखिए कैसे 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, यहाँ पर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर्स। देखिए फ्रंट में दो यहाँ पर बैल्कनी हमने प्रोवाइड किया था, उसको हम थोड़ा सा हाइट करेंगे, इधर भी हम थोड़ा सा हाइट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, बैल्कनी भी, तो बैल्कनी भी रहेगा इधर। तो उसके बाद देखिए इसका जो टोटल कितना स्क्वायर फीट है एक एक फ्लोर का, तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टोटल इसके स्क्वायर फीट। एक के एक 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 जो फ्लैट है उसका 700 स्क्वायर फीट का एक एक फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 700, यहाँ पर 700। ठीक है, तो दो जो है 1400 स्क्वायर फीट का यहाँ पर डिज़ाइन है। तो आपको पसंद आए तो डिज़ाइन आप इसको लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और आपका अगर डिज़ाइन में कुछ चेंज और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।